चलिए आना स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन में आना स्टार्ट हो रहा है। आपका अंतिम है, अंतिम दाव, अंतिम दाव हिंदी व्याकरण का अंतिम वीडियो है, एक बार रिवीजन करके जाइएगा। अलंकार को तीन भागों में बांटा गया, अभी आपको बताया मैं। चलिए ज्वाइन कीजिएगा जल्दी जल्दी। अलंकार को कितने भागों में बांटा गया है? तो अलंकार को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और काव्य अलंकार। तो शब्द अलंकार किसे कहते हैं? शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जहां शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जहां काव्य की शोभा बढ़ाने वाला यानी कि वृद्धि करता है उनमें शब्द में, उनको शब्द अलंकार कहा जाता है। और अर्थालंकार यानी कि जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसको अर्थालंकार कहते हैं। और उभयालंकार, शब्द अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसको अर्थालंकार कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास में। चलिए क्या आएगा, कितने प्रकार का होता है? शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये आपका तीन प्रकार के अलंकार होते हैं, है ना? कितने प्रकार के अलंकार होते हैं? तीन प्रकार का। चलिए फटाफट ज्वाइन कीजिएगा क्लास, ज्वाइन कर लीजिएगा। 7:30 हो चुकी है ना? तो 1 घंटे का महा एपिसोड रहेगा। शब्दों में चमत्कार के कारण क्या होता है? शब्दों में चमत्कार के कारण क्या होता है? अभी आपको बताया ना कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार तीन प्रकार का होता है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। चलिए जल्दी जल्दी बताना स्टार्ट कीजिएगा। शब्द, जहां शब्दों में चमत्कार होता है उसको शब्द अलंकार कहा जाता है, अभी आपको मैं बता रहा हूं, है ना? चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा। जहां शब्दों में शब्द के कारण चमत्कार होता है उसे शब्द अलंकार कहा जाता है। शब्द के कारण, शब्द के कारण चमत्कार, इसका हिंदी व्याकरण का भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण का भी क्वेश्चन देखेंगे। 1 मिनट ना, थोड़ा हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन देखेंगे, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका हिंदी व्याकरण से भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ते हैं अलंकार में। ठीक है, चलिए क्या आएगा, शब्दों में शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? तो देखिए शब्द अलंकार के कितने भेद हैं, शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? एक, दो, तीन या फिर चार? कितने हैं शब्द अलंकार के? चौथा प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा तीन। कौन कौन से हैं? इनके तीन है भेद, तीन भेद हैं, तीन भेद है। कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। याद रखना, पहला हो जाएगा आपका अनुप्रास, अनुप्रास, यमक और श्लेष, यह आपका तीसरा और यह आपका दूसरा। ठीक है, किन किन को मालूम नहीं है कमेंट करके बताइएगा जल्दी से, जिसको मालूम नहीं है कमेंट करके बताएं। शब्द अलंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। इसके भी हम आपको बताएंगे, एग्जाम में पूछा जाता है अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, या फिर यमक अलंकार या फिर शेष अलंकार, है ना? आपके व्यापम के एग्जाम में पूछा गया बेटा, व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है, कम से कम 2 से 3 बार हर एक एग्जाम में पूछा गया है।
मुदित महीपति मंदिर आए हैं, सेवक सखी सुमंत बुलाए हैं, यह किसका उदाहरण है? मुदित महीपत मंदिर आए हैं, सेवक सखी सुमंत बुलाए हैं, किसका अलंकार है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ये होता क्या है बेटा अलंकार, इसको मैं पूरा डेफिनेशन बताऊंगा, आप लोग याद रखना। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार क्या होगा? तो मुदित महीपत मंदिर आए हैं, सेवक सखी सुमंत बुलाए हैं, जल्दी से बताइएगा क्या होगा? अनुप्रास अलंकार, जहां एक ही पंक्ति में बार बार, एक ही पंक्ति में बार बार वही शब्द दोहराने वाली हो, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन टू हो जाएगा अनुप्रास। अब देखिए यहां पर होता क्या है अनुप्रास अलंकार, तो देखिए जहां पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण का, जहां पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण का बार बार हो, जैसे आपका हो जाएगा चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। किसको मालूम है ये टॉपिक? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ठीक है? इसका आ जाएगा चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, खेल रही थी किरणें, खेल रही थी, खेल रही थी जल थल में, जल थल में, ठीक है? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी चंचल किरणें, यानी कि क्या की आवृत्ति बार बार हुआ है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर माँ की आवृत्ति बार बार आया हुआ है। देखिए मुदित महीपति मंदिर आए हैं, यानी कि माँ की आवृत्ति तीन बार आया हुआ है। कितने बार? तीन बार आया हुआ है। अब श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार होता क्या है? तो अतिशयोक्ति अलंकार मतलब जहां बढ़ा चढ़ा कर बार बार किया जाए, यानी कि एक ही चीज को बार बार, उसी चीज को रिपीट किया जाए या बार बार उसको बढ़ा चढ़ा कर इसका नाम लिया जाए, उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। यमक अलंकार किसे कहते हैं? चलिए बताइएगा, यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार किसे कहते हैं? तो देखिए यहां पर यमक अलंकार, यमक अलंकार उसे कहते हैं जो एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार आए, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार आए, उसे यमक अलंकार कहते हैं। यानी कि या मतलब उस एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग निकले। देखिए यहां पर यमक अलंकार मतलब एक ही शब्द का है ना, एक ही शब्द का बार बार अर्थ निकले। जैसे कि देखिए टॉपिक होता है आपका यमक अलंकार का, कनक कनक तय सौ गुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक तय सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खारे या बौरा या फिर ना खारे तो भी बौरा। तो कनक का मतलब होता है, एक कनक का मतलब होता है धतूरा, और एक कनक का मतलब होता है सोना। किसको मालूम है और किसको मालूम नहीं है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? देखिए जहां किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, जहां किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु उस अर्थ का भिन्न अलग अलग हो, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? तो छठवां का ऑप्शन हो जाएगा डी, यमक अलंकार, ठीक है? यमक अलंकार कहा जाता है, यानी कि एक ही चीज को बार बार हो, यानी कि एक ही चीज की आवृत्ति
बार बार हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकले, उसको क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कनक और कनक एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार निकला है, लेकिन पहले कनक का मतलब धतूरा और दूसरे कनक का मतलब होता है सोना। ठीक है, चलिए। मंगन को देखी पट देत बार बार, मंगन को देखी पट देत बार बार, यह उदाहरण किसका है? चलिए बताइएगा, यह उदाहरण किसका है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, शेष अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार? आपको बताया था अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर किया हुआ बा, है ना? और यमक अलंकार का मतलब होता है एक ही पंक्ति में उसी का बार बार पुनरावृत्ति होना, यानी कि बार बार उसी शब्द का प्रयोग होना। और अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है एक ही पंक्ति में एक ही वर्ण का बार बार आवृत्ति हो, जैसे चारू चंद्र की चंचल की ने खेल रही थी जलथल में, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। उसी प्रकार यमक अलंकार का मतलब है एक ही पंक्ति में दो बार अर्थ अलग अलग निकले, जैसे एक कनक का मतलब धतूरा होता है, उसी प्रकार एक कनक का मतलब सोना होता है। इतना तो आपको कोचिंग में भी नहीं बताएगा, है ना? एक आप जो टू क्वेश्चन के साथ आपको कोचिंग में इतना डिफिनेशन और सॉल्यूशन नहीं बताएगा। चलिए, क्या हो? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, शेष अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार? कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आज आपका एक ही वीडियो में ए महा एपिसोड रहने वाला है, महा एपिसोड, है ना? महा एपिसोड रहने वाला है। क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा। सातवां का आपका आ जाएगा, क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। श्लेष अलंकार, देखिए, मंगन को देखी पट देत बार बार, तो ये शेष अलंकार होता क्या है, तो याद रखना श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। मंगन को देखी पट देत बार बार, यानी कि चिपका हुआ। अधिक अर्थ निकले, मंगन का बहुत सारे अर्थ निकलता है, उसको श्लेष अलंकार कहा जाता है। जिसमें कई और कई चिपके हो उसे कौन सा अलंकार कहा जाता है? देखिए, आपको मैं बताया अभी जस्ट, इसका श्लेष अलंकार होता है। उसी प्रकार यहाँ पूछा गया है चिपके, जिसमें कई और चिपके हो उसे कौन सा अलंकार कहा जाता है, तो उसको श्लेष अलंकार कहा जाएगा। अर्थालंकार के मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं? 5, 7, 8 या फिर 10? कितने होते हैं? अलंकार कहा जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करने स्टार्ट कीजिएगा सभी लोग कमेंट करने स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके व्यापम के परीक्षा सहकारिता विभाग की वैकेंसी में है ना, 15 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, और आपका लास्ट वीडियो है हिंदी व्याकरण का। इसमें हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन देखेंगे जितने भी पूछे गए हैं, यानी कि 100 से अधिक प्रश्न भी देखने वाले हैं, 100 से अधिक प्रश्न देखेंगे जो आपके हिंदी व्याकरण से पूछे गए हैं। आज आपको बिल्कुल महा एपिसोड रहने वाला है, महा एपिसोड रहने वाला है। ठीक है, तो अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? तो अर्थालंकार के 5 मुख्य रूप से प्रकार होते हैं। कितने? 5। अर्थालंकार के मुख्य रूप से 5 होते हैं। चलिए, बाकी का कमेंट क्यों नहीं आ रहा है? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। उपमा का अर्थ है क्या है? उपमा मतलब खाने का चीज नहीं है बेटा, सादृश्य, समानता, दोनों। क्या होगा, सादृश्य या फिर समानता? क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। उपमा का अर्थ क्या है? उपमा का अर्थ है क्या है? चलिए बताइएगा, उपमा का अर्थ क्या होता है? उपमा का मतलब होता है सादृश्य और समानता, दोनों होगा। ऑप्शन सी। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? एक,
चार, छह या फिर सात। तो उपमा अलंकार के कितने हैं, जल्दी से बताइएगा। उपमा अलंकार के, उपमा अलंकार के कितने अंग हैं, तो छह। कितने हैं, छह अलंकार होते हैं उपमा अलंकार का। जिस व्यक्ति या वस्तु में समानता बताई जाए उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, क्या है, जल्दी से बताइएगा। बारहवा का आंसर क्या होगा, बारहवा का आंसर। अंतिम वीडियो, अंतिम वीडियो है हिंदी व्याकरण के, दाव के साथ खेल के जाइएगा। 1 घंटे का एपिसोड रहने वाला है, 100 से अधिक प्रश्न करेंगे, 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, चलिए बताइएगा क्या होगा। बारहवा का आंसर होगा आपका उपमान, यानी कि जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जाए उसे उपमान कहा जाता है, उपमान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उपमान कहा जाता है। मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, मैं तो चंद्र खिलौना लय हाँ, कौन सा अलंकार है आपके व्यापम में पूछा गया है, व्यापम की एग्जाम में पूछा गया है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आएगा। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार होगा। आप सभी को मैंने बोला था कल आप सभी पढ़ के आइएगा, अलंकार से क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग पढ़ के नहीं आए हो, है ना, पढ़ के नहीं आए हो। मुख मानो चांद है, मुख मानो चांद है, कौन सा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीय अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, क्या होगा, क्या होगा। 14 का क्वेश्चन डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। संध्या सुंदरी उतर रही है, संध्या सुंदरी उतर रही है, कौन सा अलंकार है। ऑप्शन बी मानवीय अलंकार, मानवीय अलंकार, कौन सा अलंकार है बेटा, मानवीय अलंकार, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, आपको बताएंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है, फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे अनेकार्थी शब्द से। चलिए अलंकार आपका मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन सा पहला आपका हो जाएगा, शब्द अलंकार, पहला कौन सा हो जाएगा, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार, ठीक है, शब्द अलंकार। दूसरा है, एक मिनट ना, दूसरा है आपका अर्थालंकार, ठीक है। तीसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है बताइएगा। उभया अलंकार, ठीक है, उभया अलंकार। तो इसका बताइए, शब्द अलंकार यानी कि शब्द के कारण चमत्कार होता है, अर्थ अलंकार अर्थ के कारण, और उभय अलंकार अलंकार, है ना, दोनों के कारण, इन दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे उभय अलंकार कहा जाता है। चलिए अब देखेंगे अनेकार्थी शब्द, जो आपके व्यापम के परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए
चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। अनेकार्थी शब्द देखेंगे जो आपके व्यापम में पूछा गया है। टोटल 20 प्रश्न करेंगे। कितने प्रश्न? 20 प्रश्न। चलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। दुई जी के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द नहीं आता है? दुई जी का ये आपका व्यापम में पूछा गया है 2 से 3 बार। व्यापम में पूछा गया है 2 से 3 बार, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइए। ब्राह्मण, पक्षी, दांत या विदेह, क्या होगा? दुई जी के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? इसके बाद ये वाला भी टॉपिक देखेंगे जो आपके व्यापम में पूछा गया है। देखिए सीजीपीएससी और व्यापम में पूछे गए छत्तीसगढ़ी के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, आपका यहाँ पर दिया गया है सीजीपीएससी और व्यापम में पूछे गए विगत वर्षों से प्रश्न देखेंगे। आप देख सकते हैं पूरा आपके व्यापम 2016 व्यापम में पूछा गया है। पूरा देखिए यहाँ पर सभी के सभी व्यापम, व्यापम पीएससी सभी एग्जाम में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन आपके पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले यही क्वेश्चन कर लेते हैं। सीजीपीएससी व्यापम में विगत वर्षों से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा और कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा और संस्कृति का प्रभाव है? तो ऑप्शन ए होगा उड़िया। छत्तीसगढ़ी भाषा में बाघ का पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग क्या है? छत्तीसगढ़ी भाषा में बाघ पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग होगा आपका बघनी, है ना। पन्ही का अर्थ क्या है? आपको व्यापम 2016 में पूछा गया है पन्ही का अर्थ क्या है। चलिए बताइएगा जल्दी जल्दी, पन्ही का अर्थ क्या है? पन्ही का अर्थ क्या है? पन्ही का अर्थ क्या है? पहनने की क्रिया, पनिहारी, जूता, गले का आभूषण, इनमें से कोई नहीं। आपके सीजीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। पनि का अर्थ होता है बेटा जूता। आपके पीएससी प्री के एग्जाम में पूछा गया है। रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? गुर्राना, गुरमेटना, गुरगुराना, गुरुआना क्या है? क्या होगा इसका आंसर? रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? चलिए बहुत लोग रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है गुरगुराना। गुरगुराना होगा बेटा गुरगुराना। ऑप्शन सी गुरगुराना। ये आपके व्यापम के एग्जाम में 2 से 3 बार आया हुआ है। ये आपके लेबर इंस्पेक्टर में भी पूछा गया था शायद, और ये आपको महिला पर्यवेक्षक में भी आया हुआ था, है ना। देखिए सीजीपीएससी 2014 में भी पूछा गया है। अब ये देखिए यहाँ पर गुरगुराना होता है। देखिए
हाथी का स्त्रीलिंग होगा आपके व्यापम 2021 के क्षेत्र रक्षक में और सीजीपीएससी 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग है ना। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हाथी का स्त्रीलिंग होगा आपका सी, हाथनीन। क्या होगा? हाथनीन, ऑप्शन सी। चलिए इसका बताइए, पर्यायन का पुल्लिंग शब्द क्या है? सीजी व्यापम 2016 में पूछा गया है। यह आपका अंतिम है, अंतिम अंतिम क्लास हिंदी का, अंतिम क्लास। दाव पेच खेल कर जाइएगा। अरे सॉरी, आपके लिए मैं रस और दोहा से क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं मैं, है ना, वो टॉपिक छूट गया है ना, रस और इसका। एक मिनट ना, ये टॉपिक छूट गया बेटा, सॉरी, इसके लिए रस और दोहा से छूट गया है, जो कि आपके सहकारिता विभाग के सिलेबस में दिया हुआ है ना। सहकारिता विभाग के सिलेबस में यह टॉपिक दिया हुआ है, रस और दोहा। तो इसके लिए मैं क्या करूं, आप लोग बताओ तो, कैसे कर, इसके लिए मैं क्या करूं, आप लोग बताओ, आप ही लोग बताओ, आप लोग पढ़ लोगे या इसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा? ये टॉपिक छूट गया है, इसकी रस और दोहा टॉपिक छूट गया हमारे क्लास में, बाकी सभी क्लास हो गया है। तो महा एपिसोड चल रहा है, आज की क्लास अंतिम वीडियो हिंदी व्याकरण का। क्या करें आप लोग बताओ तो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। रस और दोहा का टॉपिक छूट गया है और पर्यायन का पुल्लिंग शब्द क्या है, इसका आंसर आप लोग बताओ। पांडव, पड़वा, पड़िया, पंडा या फिर पांडे, क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बताओ क्या करें, ये टॉपिक छूट गया है, सहकारिता विभाग के सिलेबस में दिया है, दोहा और रस और छंद, तीन टॉपिक बेटा, तीन टॉपिक, छंद भी है आपका, छंद छंद है, रस दोहा और छंद, ये तीन टॉपिक मेरे से छूट गया है। कैसे करें आप लोग बताओ। आप ही लोग बताओ क्या करें। मैं तो बोल रहा था आज अंतिम क्लास है तो अंतिम दांव खेल कर जाते हैं ऐसा करके। क्या आएगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएगा। इसका आंसर होगा आपका पांडे, आंसर ही होगा, एक मिनट थोड़ा सा, आंसर ही होगा आपका पांडे। पर्यायन का पुल्लिंग शब्द पांडे होगा। अंगरा बरसना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मुहावरे से, मुहावरे से, मुहावरे से आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अंगरा बरसना का मुहावरा क्या होगा? अंगरा बरसना, अब्बड़ घाम करना, अब्बड़ बरसना, आगी बरना, आगी के बरसा होना, या अब्बड़ घाम करना, क्या होगा, क्या होगा अंगरा बरसना? इसका आंसर सभी लोगों का आना चाहिए, टॉपिक बहुत ही अच्छी है। ये आपके व्यापम में 6 बार पूछा गया है और पीएससी के एग्जाम में 3 बार। क्या होगा? डब्लू क्या है भाई? टेक्नोलॉजी स्टूडेंट बोल रहा है, डब्लू, डब्लू का मतलब क्या है? आज अंतिम वीडियो है ना, महा एपिसोड चल रहा है आपका, महा एपिसोड, महा एपिसोड, ठीक है, आपका महा एपिसोड चल रहा है, चाहे 9 बजे या 9:30 बजे, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट आप खत्म कर देते हैं।
वेरी गुड, ई होगा। अंगरा बरसना का मतलब होता है अब्बड़ धाम करना, क्या होगा? अब्बड़ धाम करना, लज्जित होना। देखिए सीजीपीएससी 2017-18 में और आपका 19 में भी पूछा गया, इसको मैं सिलेक्टेड करना भूल गया हूँ, आपका 19 में और 21 में भी पूछा गया, 2021 में। सॉरी, ये आपका महिला पर, सॉरी महिला बोलता हूँ, लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम 2023 में भी पूछा गया है। लज्जित होना का मतलब क्या होता है? लज्जित होना का मतलब क्या होता है? लज्जित होना का मतलब क्या होता है? लज्जित होना का मतलब क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। लज्जित होना का मतलब क्या होगा? मुड़ी थटाना, मुड़ी पटकना, मुड़ी गरियाना, या मुड़ी खजवाना, या इनमें से कोई नहीं है? चलिए बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। सरल प्रश्न है, सरल है ना, सरल सा प्रश्न है। क्या होगा कमेंट करके बताइएगा, मुड़ी छठाना, मुड़ी पटकना, मुड़ी गड़ियाना, मुड़ी खजवाना, या इनमें से कोई नहीं? चलिए कमेंट करके बताइएगा। लज्जित होना का मतलब होता है क्या होगा? लज्जित होना का मतलब क्या होगा? लज्जित का मतलब होता है शर्मिंदा होना, मुड़ी गड़ियाना। शर्मिंदा होना भी होता है और मुड़ी गड़ियाना। क्या होगा? मुड़ी गड़ियाना, देखिए यहाँ पर दिया है मुड़ी गड़ियाना। चलिए, छत्तीसगढ़ी मुहावरा है, कथरी ओढ़े घी खाए। कथरी ओढ़े घी खाए का अर्थ क्या है? आपका सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और इंजीनियर के 2016 में पूछा गया है। यहाँ पर हमारा लाइट बंद हो चुकी है और टॉर्च लाइट जल रहा है ना। देखिए हमारे तरफ लाइट बंद हो चुकी है तो इन्वर्टर से काम चलाना पड़ रहा है, ठीक है? तो चेहरा आपको क्लियर नहीं दिखा पा रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा काला काला दिख रहा होगा। इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग आप जो भी क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है? इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चेहरा जैसे भी आए, है ना? क्योंकि इन्वर्टर जल रहा है तो लाइट थोड़ा कम है, इसे थोड़ा चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा होगा या फिर कालापन दिखाई दे रहा होगा, इसे कोई मतलब नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाए का मतलब होता है संपन्नता छिपाना, संपन्नता छिपाना। चाउर छींचना का मतलब होता है जादू करना, है ना? क्या होता है? चाउर छींचना का मुहावरे का अर्थ है जादू करना। छत्तीसगढ़ी काव्य है, संग्रह है, सुरता के चंदन के रचनाकार है आपका हरी ठाकुर। कौन है? हरी ठाकुर। छत्तीसगढ़ी में कठियाना शब्द कौन सा तद्दित है? ईयाना। छत्तीसगढ़ी उपन्यास कका के घर के लेखक हैं आपका रामनाथ साहू। कौन है? ऑप्शन ए, रामनाथ साहू। चलिए, हाथफोड़वा का मतलब क्या होता है? हाथफोड़वा का मतलब क्या होता है?
हथपूर्वक का मतलब क्या होता है? हथपूर्वक का मतलब होता है चावल का एक व्यंजन, ठीक है, चावल का एक व्यंजन। छत्तीसगढ़ी भाषा का लोक गाथा फूल भाषण में किसकी कथा है? फूल भाषण में किसकी कथा है? फूल भाषण में किसकी कथा है, जल्दी से बताइएगा? सीता और लक्ष्मण की। छत्तीसगढ़ी शब्द खास का हिंदी अनुवाद है विशिष्ट। हिंदी शब्द संयोजक छत्तीसगढ़ी में अनुवाद है जोरैया। छत्तीसगढ़ के प्रारंभिक लिखित आपका 1703। घोड़ा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? तो घोड़ा के लिए आपका छत्तीसगढ़ी शब्द है घोड़वा। क्या है? घोड़वा। होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है होशिया। जंतर का मतलब क्या है? जंतर का मतलब क्या है? जादू, यंत्र, जंता, यात्री, क्या होगा? चलिए बताइएगा क्या होगा, जंतर का अर्थ क्या है? जंतर का अर्थ है जादू, यंत्र, जंता, यात्री, क्या होगा? जंतर का अर्थ क्या है? जंतर का अर्थ क्या है? जंतर का, जंतर का मतलब होता है यंत्र। कोष शब्द का अर्थ क्या है? कोष शब्द का अर्थ, दूरी की माप, क्या होगा? दूरी की माप, ठीक है। छत्तीसगढ़ी शब्द तीतरा का निम्नलिखित क्या अर्थ है? तीतरा का क्या होगा? तीन नदियों के मिलने का स्थान, तीन लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र, या तीन रास्तों का उद्गम स्थल, या फिर तीन गांवों की पंचायत, क्या होगा? चलिए थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो। चलिए देखिए तो धुंधला दिखाई दे रहा है क्या? छत्तीसगढ़ी शब्द तीतरा का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ी में कुसियार क्या है? कुसियार व्यापम 2023 में पूछा गया है, व्यापम 2023 में पूछा गया है। जल्दी बताइए क्या होगा?
छत्तीसगढ़ी में कुसियार काला कथेगा। कुसियार नहीं जानो? धान, केला, नारियल, गन्ना, काला कथे नहीं खाया होगा? कुसियार काला कथे जी, कुसियार जल्दी बताओ। कुसियार किसको कहा जाता है? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, इतना भी गधे नहीं है ना यहाँ पर, क्योंकि व्यापम की तैयारी कर रहे हो। गन्ना होगा, गन्ना क्या होगा? गन्ना। केला बताओ। चलो कहा थे सबसे बड़े मेंढक ला कहा थे? सबसे बड़े मेंढक ला कहा थे? सबसे बड़े मेंढक ला कहा थे? आपके व्यापम में पूछे देंगे। सबसे बड़े मेंढक को क्या कहते हैं? सबसे बड़े मेंढक को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ना, लास्ट वीडियो है, अंतिम वीडियो है, तो जितना हो सके आज हम क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके व्यापम में पूछा गया है। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबसे बड़े मेंढक को क्या कहा जाता है? भिंडोल। क्या कहा जाता है? भिंडोल। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। क्या होगा? भिंडोल। इसका आंसर ए होगा। खटमल को क्या कहते हैं? खटमल को क्या कहते हैं? ढेकी, जाता, देना या ढेकुना? सीजीपीएससी 2019 में पूछा गया है खटमल को। खटमल को क्या कहते हैं? खटमल को क्या कहा जाता है? पीएससी 2019 में पूछा गया है खटमल को। जाता कैसे? टेक्नोलॉजी क्या बोल रहा है? जाता जाता कैसे होगा भाई? खटमल को जाता कैसे कह सकते हैं? जाता तो होगा नहीं। क्या होगा, किसी और को मालूम है यहाँ पर खटमल को क्या कहते हैं? खटमल को क्या कहा जाता है? ढेंकी। ढेंकी जाता ढेंकी कैसा होगा भाई, यहाँ पर होगा ही नहीं। देखिए खटमल का मतलब होता है, ढेकुना। खटमल का मतलब होता है ढेकुना। क्या होगा? ढेकुना होगा। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा? खटमल का मतलब होता है ढेकुना, लेकिन व्यापम में आपका देना लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? व्यापम अब देना ले लिया है तो, हाँ व्यापम ने देना ले दिया, क्या करेंगे भाई? अब देना लिया। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में खटमल को ढेकुना कहा जाता है, लेकिन व्यापम ने आपको देना लिया है, हम क्या कर सकते हैं भाई? व्यापम देना ले रहा है तो हमारी गलती तो नहीं है। जैसे एग्जाम, जैसे बुक में रहता है वैसे हम आपको बताए हैं, खटमल तो ढेकुना कहा था, लेकिन ये देना कैसे ले लेगा? चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द है जो दिशा का नाम नहीं है? आपके सीजीपीएससी सीएमओ के एग्जाम 2019 में पूछा गया है। क्या होगा? निम्न में से कौन सा शब्द है जो दिशा का नाम नहीं है? दीप्ति आप थोड़ा लेट चल रहे हैं।
दीप्ति आप थोड़ा क्लास में लेट चल रहे हैं शायद। है ना, तो शायद अब लेट हो, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाई करते रहो। चलिए क्या होगा, निम्न में से कौन सा शब्द है जो दिशा का नाम नहीं है? उगती, कमाली, बुढ़ती या फिर भंडार, क्या होगा? क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। निम्न में से कौन सा है जो दिशा का नाम नहीं है? आप सभी को मालूम होगा दिशा क्या होता है। दिशा आपको मालूम होगा उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्वा, है ना? तो उगती आपका दिशा है, पूर्ति भी दिशा है, भंडार भी दिशा है, लेकिन कमारी आपका नहीं है। बी होगा आंसर। देखिए छत्तीसगढ़ में पूर्व दिशा को उत्ती, पश्चिम को चुड़ती, उत्तर को भंडार और दक्षिण को रक्सहू कहा जाता है। मैं जा रहा रही हूं, ये आपके व्यापम 2021 में पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी, या इनमें से कोई नहीं। और 14 में भी पूछा गया है, पीएससी के एग्जाम में 2014 में, 2021 में और 2019 में, तीनों वर्ष में पूछा गया है। क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। लाइट बंद हो चुकी है, इन्वर्टर से क्लास ले रहे हैं ना, तो आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा मेरा चेहरा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करते रहो। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है? मैं जा रहा या रही हूँ, ऑप्शन कौन सा है? 28 का ऑप्शन क्या होगा? 28 का, 28 का क्या होगा? मैं जा रहा या रही हूं, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। हाँ बेटा, देना गलत है। खटमल का मतलब, एक मिनट ना, खटमल का मतलब होता है, खटमल का मतलब होता है ढेकुना, है ना? खटमल का मतलब होता है ढेकुना। तो व्यापम लिया बेटा, हम क्या कर सकते हैं, व्यापम उसको देना लिया है, हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारी गलती तो नहीं है ना दीप्ति जी? दीप्ति यादव कर रही सर, खटमल का मतलब देना होगा, ऐसा नहीं है, व्यापम लिया है देना, लेकिन इसका मतलब होता है ढेकुना, आपके बुक में भी दिया हुआ है। कोई बात नहीं दीदी, यहाँ पर हमारे तरफ नेटवर्क भी स्लो है, नेटवर्क स्लो है यहाँ पर भी। अब आपको पता ही होगा, लड़कियों को तो अच्छे तरीके से पता होगा इसका आंसर।
छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए एक सूचक शब्द क्या है? अरे, अरी, गा, गोई या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? लड़की लोग अपने सहेली को क्या कहते हैं? क्या कहकर बुलाते हैं? क्या कहकर बुलाते हैं? क्या कहकर बुलाते हैं? टेक्नोलॉजी स्टूडेंट ने बोला है गोई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका, गोई होगा। गोई होगा बेटा, गोई। वेरी गुड। अगर आपका नेटवर्क स्लो है, नेटवर्क स्लो है तो एक बार मोबाइल को बंद कर दो, फिर चालू करो। नेटवर्क इशू नहीं होगा, नेटवर्क इशू नहीं होगा, है ना? थोड़ा सा मतलब एक बार वीडियो, मतलब जो मेरा वीडियो चैनल है उसको एक बार बंद कर दो, फिर उसको चालू करके देखो, नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी के पास नेटवर्क है ऐसा? क्या बढ़िया है भाई, कहाँ से हो, कहाँ से हो टेक्नोलॉजी स्टूडेंट आप? वेरी गुड। रायपुर से हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं से भी हो, पढ़ाई अच्छे से करो, है ना? क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा है आपका परफॉर्मेंस। हाँ, प्रत्येक इसमें देखिए, CGPSC CAT 2014 में और आपका 2015 में भी पूछा गया है, 2015 में, है ना? हाँ, प्रत्येक जिस शब्द में नहीं है, हाँ प्रत्येक किसमें है? कोल्हिया, कोचराहा, कोडराहा या डंचगा या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? कोल्हिया। क्या होगा? कोलिया। वेरी गुड। फटाफट आंसर कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, है ना? घोघिया पठारी किसे कहा जाता है? CGPSC 2017-18 में, 2021 में और 2023 में पूछा गया है आपका एग्जाम में, लेवल इंस्पेक्टर के एग्जाम में, और आपका पूछा गया था चपरासी भर्ती के एग्जाम में, चपरासी भर्ती के एग्जाम में पूछा गया था। घोघिया पठारी किसे कहा जाता है? पहाड़ में रहने वाला पक्षी, घोंघा, गुंगा आदिवासी या श्राद्ध कर्म संपन्न करने वाला ब्राह्मण? क्या होगा? क्या होगा? घोघिया पठारी किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। घोघिया पठारी क्या होता है? घोघिया पठारी, आप सभी, घोघिया पठारी ब्राह्मण को कहते हैं बेटा यहाँ पर। इसको ब्राह्मण कहते हैं, घोघिया जो पठारी होता है ना, उनको हम ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण, ब्राह्मण कहते हैं, और ब्राह्मण को महाराज भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्राद्ध कर्म संपन्न करने वाला ब्राह्मण। बड़हड़ का मतलब क्या होता है? CGPSC 2017-18 में पूछा गया है। बदरा, बड़े, बड़ोरा या बैठना? बड़ोरा होगा। लुरकी किसे कहते हैं? लुरकी, लुरकी किसे कहा जाता है?
लुरकी किसे कहा जाता है? लुरकी एग्जाम में पूछा गया है, पीएससी का प्री के एग्जाम में पूछा गया है। लुरकी किसे कहा जाता है? लुरकी लुरकी किसे कहा जाता है? आभूषण, लौकी, पतला या लुढ़कना, क्या होगा? लुरकी आप सभी को मालूम होगा, लुरकी होता है, देखिए लुरकी एक आभूषण होता है। लुरकी क्या होगा? आभूषण, ठीक है। लुरकी क्या होगा? एक आभूषण होगा जो अलंकार मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है, और अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ। आभूषण है ना, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। किसको मालूम नहीं है कमेंट करके बताओ तो। चलिए लुरगी किसे कहते हैं? तो लुरगी का मतलब होता है आभूषण जो काव्य की शोभा बढ़ाने तत्व को अलंकार कहा जाता है, और अलंकार को तीन भागों में बांटा गया है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार का मतलब होता है शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इनको तीन भागों में बांटा गया है, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार। उसी प्रकार अर्थ अलंकार को चार से पांच भागों में बांटा गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, चार या पांच भागों में है ना। और आपका होगा उभय अलंकार जो शब्द अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है ना। हमन लिखत रहे छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या है? तो सीजीपीएससी 2021 और 23 में पूछे, हमन लिखत रहे थे, तो क्या हुई? हमन लिखत रहे, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी प्रभावित होता है बुंदेली और मराठी, ठीक है। बोला छोड़ दो ये वाला, देखो छत्तीसगढ़ी भाषा में भंडई का मतलब होते जूता। छत्तीसगढ़ी भाषा में पति द्वारा त्यागी गई नारी को परितिका कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परितिका। किस राज्य के किस कवि की रचना छत्तीसगढ़ सुराज है? सम परीक्षक 2022 में पूछा है, गिरिवरदास वैष्णव। फूले फूले रिंगी चिंगी फर फरे लंबेरा, ये बार बार पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है ना, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फूले फूले रिंगी चिंगी फर फरे लंबेरा, इसका मतलब होता है मुनगा। मोहरे का अर्थ क्या? नाक लेसवाना का मतलब होता है अपमान होना। तुरही के गायक है पंडित सीताराम मिश्रा, है ना। हिंदी नियुक्ति शब्द है भर्ती। बस इतना क्वेश्चन, तो आप लोग बताओ क्या करें। 45 क्वेश्चन था, हो गया ना 45 क्वेश्चन, तो आप लोग बताओ क्या करें। ये टॉपिक छूट रहा है आपका, अभी हम हिंदी व्याकरण से जितने भी हम आपको क्लास लिया है हिंदी व्याकरण का, हिंदी व्याकरण के तीन टॉपिक छूट रहा है, क्या करें आप लोग बताओ, कमेंट करके बताओ। रस, दोहा और आपका हो गया छंद।
और यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कैसे करें, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दो क्या, कैसे करें आप लोग बताओ, क्या करें आप ही लोग बताएं कैसे करें, इसके बारे में क्या है आप लोग का राय बताओ भाई, क्या करें। तो लाइव क्लास कितने बजे, इसका रस दोहर छंद कैसे करें इसका बताओ, क्योंकि कंप्यूटर की क्लास, कंप्यूटर है ना आपका जो 15 नंबर का सहकारिता विभाग में पूछ रहा है। पंद्रह नंबर का सहकारिता विभाग में पूछ रहा है, और कल से हम कंप्यूटर की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, कल से 7:30 से 9:30 कंप्यूटर आपका रहेगा 7:30, 7:30 से 8:30 1 घंटे रहेगा कंप्यूटर। ऑब्जेक्टिव ला दे फिर, रस छंद और दोहा के लिए ऑब्जेक्टिव ला दे। तो कैसे करें फिर, रिकॉर्डिंग ला या फिर लाइव क्लास, आप लोग बताओ कैसे करें, रिकॉर्डिंग क्लास लाएं, रिकॉर्डिंग या फिर लाइव क्लास, आप ही लोग बताओ क्या करें। रस छंद दोहा के लिए लाइव क्लास ले या फिर रिकॉर्डिंग क्लास, टाइम आप बता दो कैसे करें, आप ही लोग बताओ रिकॉर्डिंग या फिर लाइव क्लास। कैसे करें आप लोग बताओ, रिकॉर्डिंग देखना पसंद करोगे या फिर लाइव क्लास, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से जल्दी जल्दी कमेंट करो। आप ही लोग है बताओ, बताओ भाई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। टेक्नोलॉजी वाले कह रहे हैं, मैं 1 मिनट कमेंट पढ़ लेता हूँ ना क्या कह रहे हैं। रिकॉर्डिंग या फिर लाइव, रिकॉर्डिंग और लाइव दोनों। रिकॉर्डिंग में देखिए यहाँ पर दीप्ति यादव बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग क्लास, टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट बोल रहे हैं लाइव क्लास। तो रिकॉर्डिंग क्लास लाते हैं फिर, रिकॉर्डिंग क्लास लाते हैं और कंप्यूटर का लाइव क्लास रहेगा, चेंज नहीं करेंगे, टाइम चेंज करेंगे बहुत दिक्कत होगा, फिर टाइमिंग का चेंज हो जाएगा, दिक्कत होगा, दिक्कत होगा फिर। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं और कंप्यूटर लाइव, दीप्ति जी बोल रहे हैं, दीप्ति जी आप लाइव क्लास लेंगे कंप्यूटर का, तो रिकॉर्डिंग क्लास लाएंगे फिर 12 बजे के बाद मिलेगी फिर आपको, 12 से 3 बजे के बाद, 12 से 3 बजे के बीच में आपको मिलेगा फिर रिकॉर्डिंग क्लास। क्या कहते हैं, क्या कहते हो बताओ, क्या कहते हो आप लोग बताओ। चले अनेकार्थी शब्द से देखिए, अनेकार्थी, अनेकार्थी से व्यापम के परीक्षाओं में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है गो का अर्थ नहीं है, गो का अर्थ नहीं है, चलो बताओ कमेंट करके, जितने भी यहाँ पर लाइव क्लास में जुड़े हैं ना सभी के सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा, अनेकार्थी शब्द क्या होगा, तीसरा का गो का क्या होगा, गो का क्या नहीं है। गो का मतलब होता है क्या होगा, अनेकार्थी शब्द गो का मतलब होता है गाय, क्या होगा गाय, तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया, तो इसका आंसर द होगा। समरूपी शब्द युग्म अवलंबन यानी कि अविलंबन के सही अर्थ का भेद क्या है,
सहारा बिना विलंबन, सीधा ठहरना, स्थायी आवश्यक है बिना विलंबन। ये वैसे भी एग्जाम में नहीं पूछा, इसको छोड़ दो, ये एग्जाम में नहीं पूछा है, छोड़ दो उसको। ये भी नहीं पूछा गया है, ठीक है जो पूछा है उसको देखते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा गया, ये वाला। नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, क्या है कमेंट करके बताओ। चलो 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, बताओ। पर्वत, सूर्य, सांप या हाथी, क्या है क्या वो, फटाफट बताइए। चलिए मैं ऑप्शन देख रहा हूं, कितने लोग आंसर दे रहे हैं इनका। चलिए कौन कौन ऑप्शन दे रहे हैं। पर्वत, वेरी गुड, इसका आंसर होगा पर्वत। नग का मतलब होता है पर्वत, वेरी गुड। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, स्त्री क्या होगा, स्त्री क्या है, क्या होगा स्त्री, नहुआ का क्या होगा। क्या हो, जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड का समय, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अनेकार्थी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अनेकार्थी से व्यापम 1 से 2 नंबर पूछ सकता है, पूछ सकता है ना, पूछेगा नहीं बोल रहा हूँ, पूछ सकता है। नहीं है, नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो पर्वत नहीं होगा ना भाई। दिखती देखिए यहाँ पर, इसका मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट ना, ये देखिए, देखिए नग को क्या कहा जाता है, नग का अनेकार्थी हो, 1 मिनट ना, सॉरी, देखिए नग को क्या क्या कहा जा सकता है। नग का आपका पर्यायवाची शब्द होगा सूर्य, सांप, हाथी, वारल। ये आपके व्यापम के परीक्षाओं में पूछा गया है, नग, नग को सूर्य, सांप, हाथी और वारल कहा जाता है ना। नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है तो इसको पर्वत आएगा, पर्वत इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है, बाकी आपका सूर्य, सांप, हाथी और वारल नग होगा, आपके व्यापम में पूछा गया है। इसका आंसर होगा नहुआ का भी, अंगना, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछा गया, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, नहीं पूछा गया है, ये भी नहीं पूछा है, ये भी नहीं पूछा है, ये पूछा गया एग्जाम, पीएससी एग्जाम में पूछा गया है, पीएससी का एग्जाम में प्री में पूछा है, व्यापम में नहीं पूछा है, पीएससी में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा शब्द पानी का अर्थ भी देता है, पानी का अर्थ क्या है, पानी का अर्थ क्या है, पानी का अर्थ क्या है, जंगल, वन, अन्य या फिर कानन, क्या होगा, 14 का आंसर क्या होगा। पानी का अर्थ देता है पानी, अनेकार्थी शब्द, पानी का अर्थ देता है पानी,
वेरी गुड, इसका आंसर होगा आपका पानी का अर्थ है। हाँ पानी का अर्थ होगा वन, वन होगा वन, ठीक है। नहीं पूछा छोड़ दो इसको, नहीं पूछा छोड़ दो। ये पूछा गया आपका रसाल, रसाल का शब्द क्या है आपके व्यापम प्लस पीएससी प्लस एसएससी तीनों एग्जाम में पूछा गया है। रसाल क्या है? आग, केला, पक्षी या चमक, क्या है? क्या जल्दी से बताइएगा रसाल क्या है? रसाल का मतलब होता है क्या है? रसाल का शब्द का अर्थ क्या है? ये तो केला फल हो गया बेटा, रसाल पूछ रहा हूं मैं, रसाल। हाँ जितने भी अगर आप सहकारिता विभाग की तैयारी कर रहे हैं ना तो सभी का कमेंट आना चाहिए। बैठे चुपचाप जो बैठते हैं ना वो गधे हैं, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, जो चुपचाप बैठते हैं ना वो गधे हैं, व्यापम की तैयारी नहीं करते, बस चुपचाप आपको बैठना नहीं है, है ना, चुपचाप बैठना नहीं है, आप लोग गधे हो, बिल्कुल गधे हो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस आप लोग जब तक नहीं करोगे, है ना, प्रैक्टिस सेट नहीं करोगे, तब तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैं सही कह रहा हूँ या गलत आप लोग बताइए, है मैं सही कह रहा हूँ या गलत? अगर गलत कह रहा हूँ ना तो वीडियो को डिसलाइक कर देना और कमेंट करके बताना सर आप गलत हैं बोल देना। मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ आप लोग कमेंट करके बताओ। गलत बोल रहा हूँ ना तो कल से वीडियो नहीं लाऊंगा फिर मैं, कल से वीडियो नहीं लाऊंगा फिर मैं, गलत हूँ तो कल से वीडियो नहीं लाऊंगा। अगर सही हूँ तो डेली आप क्लास कीजिएगा, ठीक है। चलिए बताओ मैं सही हूँ गलत, इसका क्या है? रसाल को क्या बोला जाता है? रसाल, रसाल को क्या बोला जाता है? रसाल को क्या बोला जाता है? आग, रसाल को आग कहा जाता है। देखिए सकल और सकल का अर्थ क्या है? एग्जाम में पूछा गया है दो टॉपिक, देखिए सकल ये पहला हो गया और ये आपका हो गया सकल, दोनों डिफरेंट है। जैसे कि आपका कनक, कनक का मतलब होता है धतूरा, ये आपका कनक और ये आपका कनक, एक कनक का मतलब होता है धतूरा और एक कनक का मतलब होता है सोना, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर? कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल, क्या होगा जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? सकल का, सकल और सकल में अर्थ क्या है? डाउट, डाउट टेक्नोलॉजी वाला बोल रहा है, डाउट है सर। दीप्ति को मालूम होगा, चलिए दीप्ति बताइए क्या होगा? दीप्ति चलिए क्या होगा इसका आंसर? देखिए सकल और सकल क्या होगा मालूम है कि नहीं? किनको मालूम नहीं है? इसका आंसर होगा आपका बी, ठीक है। मूक का अनेकार्थी शब्द क्या है और सही क्या है? मूक, गूंगा, चुप, शांत या विवश, क्या होगा? क्या होगा मूक का अर्थ क्या है? मूक का अर्थ क्या है? मूक का अनेकार्थी शब्द क्या है?
यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हूँ। देखिए यहाँ पर मुख का मतलब होता है, यहाँ पर गूंगा, एक तो गूंगा भी हो सकता है, या फिर शांत भी हो सकता है, या फिर चुप भी हो सकता है। क्या लेंगे आप लोग बताओ, आप लोग बताओ क्या लें, आप लोग बताओ, चलिए क्या लें। मुख का अनेकार्थी शब्द में सही क्या है, गूंगा, शांत या चुप, क्या लें हम, जल्दी बताओ आप लोग क्या लें। क्या मुझे आंसर पता है क्या होगा, लेकिन आप लोग बताओ क्या लेंगे इसका आंसर। चलिए बताइए क्या ले इसका आंसर। मुख का मतलब होता है, मुझे भी कंफ्यूजन में डाल दिया भाई यहाँ पर। मुख का मतलब होता है, क्या होगा इसका आंसर, अब क्या ले भाई, गूंगा है, चुप है, शांत है, विवश है, विवश तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, और मुख बोलूंगा तो गूंगा हो जाएगा, उसी तरह गूंगा में चुप भी है, शांत भी है, डाउट है, मुझे भी डाउट है, आप लोग बताइए, देख लो आप क्या लोगे, डाउट है, अब मैं कैसे बोल सकता हूँ, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 20 प्रश्न, अंतिम प्रश्न। शायद इसका आंसर सी ये होना चाहिए, शांत, शांत हो सकता है, शांत शायद, एक बार आप लोग नेट में सर्च करके देख लेना, गूगल में सर्च करके देख लेना, ठीक है, गूगल में एक लोग सर्च करके देख लेना। अंतिम क्वेश्चन करते हैं, ये छोड़ दो, है ना, ये ऐसे दिया है, अंतिम क्वेश्चन है आपका, अंतिम प्रश्न, इसके बाद बाय बाय, कल आपकी क्लास लगेगी 7:30 को, कंप्यूटर, ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50, 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा और छत्तीसगढ़ भी रहेगा। एक मिनट, यहाँ पर कोई जगह दिख नहीं रखा लिखा, कल आपकी क्लास लगेगी 7:30 को, कंप्यूटर, प्लस छत्तीसगढ़, 50 ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर, 20 ऑब्जेक्टिव छत्तीसगढ़, ठीक है, दोनों का, वैसे तो एग्जाम में पूछा नहीं है, छोड़ दो, जैसे एग्जाम में पूछा नहीं है, छोड़ दो, है ना, वैसे तो आप एग्जाम में पूछा नहीं है, छोड़ दो उसको, तो आज के लिए फिर इतना ही, इंतजार करिए फिर कल, थैंक यू। बाय बाय।